नमस्कार, आज हम पालक, गाजर और शिमला मिर्च से मिलकर एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। गाजर, शिमला मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च, इन सभी को हम चॉपर में लेकर के महीन चॉप कर लेते हैं। एक बर्तन में पालक ले लेंगे, 100 ग्राम पालक, उसमें हम सब्जियों को चॉप कर करके डाल लेते हैं। 50 ग्राम मक्के का आटा और उसका आधा चावल का आटा, इसे हम डाल लेंगे। अब आधी चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्च आधी चम्मच या स्वाद के अनुसार, नमक डाल लेंगे, नमक इसमें हम आधा चम्मच या स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद अब हम इसमें आधी चम्मच जीरा, साबुत जीरा, आधी चम्मच छोटी अजवाइन, इन सभी को डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद इसे हाथों से अच्छे से आपस में सभी को मिला लेंगे। पेस्ट को हम अच्छे से आपस में मिला लेते हैं। अब हम एक ट्रे ले लेंगे, उसमें तेल लगा लेते हैं या घी, उसे लगाने के बाद हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसे इडली मेकर में डाल करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये स्टीम हो चुका है, 15 मिनट के बाद निकाल करके इसे ठंडा कर लेते हैं और इसे मन चाहे आकार में कट कर लेते हैं, जैसा आपको कट करना हो। बच्चों को ज़्यादातर सब्जियां पसंद नहीं होती हैं, वे हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप सब्जियों को इस तरह से बनाएंगे तो वे ज़रूर पसंद करेंगे और बड़े ही चाव से खाएंगे। इसे काटने के बाद हम एक पैन ले लेंगे। पैन में 2 से 3 चम्मच तेल डाल लेते हैं। तेल भी हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच तिल, साबुत जीरा 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच या स्वाद के अनुसार, इन सभी को डालने के बाद अब हम इसे पैन में अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। इसे हम फैलाने के बाद कट किया हुआ पीसेस एक एक करके इसमें अच्छे से रख लेते हैं। अब हम इसे एक तरफ हो चुका है, दूसरी तरफ पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। इसे हम स्लो फ्लेम पर ही दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। पालक और गाजर से मिल करके तैयार है टेस्टी नाश्ता। इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक